मिठाई खाओगे क्या तुम? यहाँ पे मठी लड्डू 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 जलेबी, हम जो घर जा रही है यहाँ से पैक होके। मिठाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया खाऊंगा। कल परसों इतने बढ़िया सज जाएगा यहाँ पे अब सब कुछ। पापा वाली बात भी रह जाएगी कि खुद के सामान दे के जो मिठाई बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो पूरी डेकोरेशन का टूर तो मैं बाद में दूंगी, अभी तो बस एक जो हो रहा है रेडी जिस तरह से वो दिखा रही हूँ कि मुझे अपना भी ना थोड़ा मी टाइम मिले। उसमें राजीव बहुत अच्छे, मेरी बहुत केयर करते हैं। तो अभी ये है चाकी, चक्की जिसको बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ चाकी। इसमें ऐसे ना दाल वाल डाल के भाभी वो पीसती है। और ये हमारी प्यारी भाभी जी, देखो कैमरा ऑन होते ही अब वापस चल पड़ी शर्मा के है। और ये हमारा क्या नाम है इसका, शैम्पी, 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 शैम्पी। शक्ल खतरनाक है वैसे, बहुत प्यारा है ये, प्यारी है, प्यारी है। हाँ बस शक्ल शक्ल वैसी है, डर जाते हैं लोग, वैसे बहुत प्यारी हूँ मैं है। और देखो देखो दीपक के साथ तो मतलब कुत्ते बिल्ली तो चिपक जाते हैं बिल्कुल। और वहां पे चार तोते भी हैं, वो भी दिखाती हूँ। मिट्टू 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 कहाँ है मिट्टू मिट्टू, लाइन में बैठे मिट्टू मिट्टू, बच्चे हैं बच्चे। और भाभी ने ना प्याज लगा रखे हैं, तो देख कितने सही हो रखे हैं, यहाँ पे भी और उधर भी, जगह को पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। और ये मेरे दूसरे भैया के यहाँ पे बगिया बहुत ही सुंदर, इस तरफ फ्लावर्स हैं सारे और अंदर की तरफ उधर मेथी है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, काफ़ी तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं इधर। और वो अमरूद का पेड़, और ये मेरी वेट कर रहे हैं इधर, तो मैं चलती हूँ। ये अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारी मिठाई बन रही है सारी, वहाँ पे ये लो सर, आओ मिठाई खाओगे क्या सर? यहाँ पे हमारी मिठाई बन रही है, वहाँ पे अभी हम डब्बे का सैंपल वो पैक करवाने के लिए आए हैं। तो ये सारी जो हमारी भाजी है ये देखो रेडी हो चुकी है यहाँ पे, ये और फिर पीछे सारी वो भी कि हमने घर के लिए बनवाई थी अलग से, बूंदी बूंदी की घर में भुजिया के साथ अच्छी लगती है, तो वो है, लड्डू हो गए, जलेबी, इधर भी जलेबी लड्डू सारे ऊपर जलेबी, यहाँ पे मठी लड्डू 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 जलेबी, किशन की बर्फी, बहुत सही भैया बहुत अच्छी लग रही है। ये सारी भाजी रेडी हो गई है, तो ये अभी जस्ट हम आए थे, अभी ये सारी पूरी कवरिंग इनकी हो रही है जो अभी नई बन के ही आई है, जस्ट ठंडी हो रही थी वहाँ उन्होंने वो सारी कवर कर दी है और यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? Amazing. Amazing. ये बहुत ही अच्छा बना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो ये पहली मिठाई है हमारी शादी की, हम जो घर जा रही है यहाँ से पैक होके। मिठाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, खाऊंगा मजे आ गए। वैसे मीठा खाता नहीं लेकिन ये तो बहुत बढ़िया है, पैक करा लिया मैंने, मैं सोनिया खाएंगे। ऊपर वाले में तो सिर्फ वो है बर्फी, बेसन की बर्फी है उसमें सिर्फ। ये कल परसों इतने बढ़िया सज जाएगा यहाँ पे अब सब कुछ बढ़िया तरीके से। यहीं पे अब हमारा डेरा है अगले कुछ दिनों के लिए। पापा चाहते थे मिठाई घर पे बने, मतलब नीचे ही आंगन में, तो हमने पापा को बोला कि पापा आपको ये ना कि घर पे बननी चाहिए मिठाई, हलवाई के पास से सीधा वहीं पे ना बने, वहीं से डब्बों में पैक होके ना आए। तो हमने दोनों का ही रख लिया कि घर पे भी नीचे कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरी शादी का मुझे याद है मैंने ही पूरा वो ना अच्छे से फिर क्लीन किया था, आंगन बहुत खराब हो जाता है, हमें उसका था थोड़ा सा कि बहुत मेहनत लग जाती है उसमें, फिर हाँ चढ़ा दो मेरे ऊपर चढ़ा दो। तो हमने बीच का सॉल्यूशन निकाला कि फिर हम यहीं पे रिसोर्ट में ही बनवा लेंगे। पापा वाली बात भी रह जाएगी कि खुद के सामान दे के जो मिठाई बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है, तो पापा वाली बात भी रह गई और हमारी बात भी रह गई कि कुछ भी ना ऐसे खराब नहीं हुआ, सब यहीं पे बन गया अच्छे से। तो अभी हम दोनों भाई बहन की जोड़ी, जो हमारे छोटे छोटे काम बचे हुए थे अभी हम वो काम निपटा रहे हैं। ये तो है पार्क के पास ही तो था उनका घर, हाँ तो सही बिल्कुल बढ़िया लेके आयो। तो अभी हम जा रहे हैं अभिजीत भाई के घर, वहाँ पे अंकल आंटी को इनवाइट करने के लिए। तो अभी ये हमारे घर के बाहर टेंट लगना शुरू हो गया है, अब लगेगा शादी वादी, यहाँ पे भी डेकोरेशन वगैरह हो गई है, दिख रहे है, दिख रहा है ऐसे कैसे डेकोरेशन शुरू हो गई है। तो देखो अरे दित्या ये क्या, शौर्य से मिलने भैया तो नहीं है घर पे? हाँ छोड़िए उसको, भैया तो गया
भैया काम तो करने नहीं देता, तो इसलिए भैया को छोड़ आए, भैया को छोड़ आए बड़े नाना के घर, उसके तो दादा लगे बड़े दादा के घर। हाँ वो तो गया, आई थी खेलने। तो भी भैया जी ने लाइट ऑन करके दिखाई है आपको, पूरी डेकोरेशन का टूर तो मैं बाद में दूंगी, अभी तो बस एक जो हो रहा है रेडी जिस तरह से वो दिखा रही हूँ। यहाँ गली में लगेगा अभी और ऊपर ये री दित्या, अब हमारी दित्या एक बार स्माइल कर दो, स्माइल कर दो प्लीज करियो, बहुत ही प्यारी बच्ची है। कहाँ गया शौर्य, गया और अभी ये रात के टाइम पे मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि ये वाली जो सामने लाइट्स है ये लाइट्स ऑन करनी थी, इनका बटन ऊपर ही था। तो यहाँ से देखो सामने वाली रोड भी कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे अमेजिंग, वहां तक देखो बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली लाइट्स मुझे। और इसी के साथ मैं अपने घर वाली लाइट्स भी अब आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से लेके पूरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। रौनक आ गई है और वो टेंट का उन्होंने ना पिलर तो लगा के छोड़ दिए हैं, अभी कल टेंट लग जाएगा, कल शाम को फिर ये यहाँ पे पूरा रेडी हो जाएगा, परसों यूज होगा फिर उसके बाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अलग ही मस्ती आई हुई अब तो सबको। और इसी के साथ कुछ चीज़ों की अपडेट जो मुझे देनी थी, जैसे गाड़ी वाली मैं अभी तक नहीं बता पाई आप लोगों को, तो जैसे ही मैं आई थी यहाँ पे उसके 3-4 दिन बाद ही यहीं पे घर के पास ही एक मोड़ काटते हुए दीपक वेट कर रहा था क्रॉस करने के लिए कि सामने से कुछ आ तो नहीं रहा, पीछे से एक गाड़ी ने उसको हिट किया काफ़ी स्ट्रॉन्गली, गाड़ी का पीछे वाला जितना पार्ट था वो सारा डैमेज हो गया था। लकीली दीपक इज सेफ और टच वुड कहीं पे भी ना उसको ऐसे बहुत, मतलब हम लोग के लिए तो यार एकदम हम डर गए थे उस रात को, तो हाँ वो था, तो इसलिए गाड़ी फिर वहाँ चली गई थी ऑटो मार्केट में ठीक होने के लिए। वो 2 हफ्ते हमने बिना गाड़ी के, हमें पता है कि कैसे निकाले हैं, तो एक आदत हो जाती है ना खुद की गाड़ी की कि हाथ सेट होता है, आपको पता होता है कहाँ कैसे है। दीपक के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सब फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं, वैसे गाड़ियाँ अवेलेबल थी लेकिन एक ना अपनी गाड़ी का अपना ही वो होता है, तो वो थोड़ा सा हमें वो हुआ था बीच में, इसलिए गाड़ी ना चेंज होती रहती थी हमारी कभी कुछ कभी कुछ। अब आ गई है ठीक है गाड़ी, तो अब वापस सब कुछ सही से चल रहा है। इसके अलावा और क्या, नीचे अभी गीतों की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो अभी लेडीज आ गई हैं, आज से हमारे यहाँ गीत गाना शुरू हो गया है। तो मैं मम्मी को ना भी हंस रही थी, 8 बजे का टाइम था और 8:30 बजे तक भी ना सिर्फ 2 ही लेडीज आए थे, मैंने मम्मी बोला मैं इससे तो हमारा दादरी अच्छा है, माँ बोलो माँ उसमें 25-30 लेडीज इकट्ठी हो जाती है, माँ अभी यहाँ पे तो कोई आया नहीं है मम्मी, तो अब ना अब आवाज आने लगी है। तो मम्मी कहती है 1.5 घंटा तो लेट हो जाता है, इंडिया वाले टाइमिंग से चलते हैं सब, तो अब आवाज आ रही है नीचे चलते हैं, मैं आपको लेडी संगीत, लेडी संगीत तो बाद में है, ये हमारा हरियाणवी जो लेडी संगीत है वो अभी नीचे हो रहा है, वहां लेके चलते हैं। एक लास्ट चीज और, मैं नीचे ले जाने से पहले काफी लोगों को ये होगा कि अरे यार आपने शौर्य और यशिका को राजीव के साथ क्यों भेज दिया, उनको भी तो घर पे ऐसे मतलब इंजॉय करने देते, तो ये था कि मुझे ना सोचने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा, इतना सारा बाकी चीज़ों में ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, फिर बच्चों के पास तो मतलब ये कह लो कि बहुत ज़्यादा मेरी अटेंशन कह लो या मेरा माइंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन बच्चों की तरफ ही रहता है, तो मैं बाकी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर पाती, मुझे एक बार अटेंशन वाला टाइम चाहिए था थोड़ा सा, तो इसलिए राजीव को बोला था कि प्लीज़ आप इनको ना कुछ घंटे के लिए ले जाओ, तो मुझे थोड़ा वो बोला एक ब्रीदिंग स्पेस और थोड़ा सा ना सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो राजीव कहते एक काम करता हूँ मैं इनको एक रात के लिए ले जाता हूँ ताकि तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाए, तुम अच्छे से सो भी जाओ। सो इन दैट केस मतलब राजीव बहुत अच्छे हैं, मेरे बारे में बहुत सोचते हैं कि मुझे ठीक से रेस्ट मिले, मुझे ठीक से सब कुछ ऐसे ना बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा ऐसे वो मिलता रहे, क्या बोलेंगे इसको, कि मुझे अपना भी ना थोड़ा मी टाइम मिले, उसमें राजीव बहुत अच्छे मेरी बहुत केयर करते हैं, एंड आई एम वेरी लकी, एंड आज ओपनली मैं उनका ना थैंक्स करना चाहती हूँ, वैसे उनको तो बोलती रहती हूँ लेकिन आप सबके साथ भी शेयर करके। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि सोनिया ये सारी चीज़ें इसलिए कर पाती है कि राजीव इतने अच्छे हैं, सो यस दैट्स ट्रू, इसीलिए मैं इतना कुछ कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव दैट बैकबोन राजीव जो है मेरे साथ, की हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं,
ज्यादा नहीं बोलती यार मैं उनको वैसे ही बोल दूंगी। और अभी मैं आई थी ऊपर गर्म पानी लेने के लिए, सबको पीने के लिए चाहिए तो गर्म पानी, और यहाँ पे फिर साथ में गुड़ बांटते हैं हमारे यहाँ ऐसे गीतों के बाद, तो ये गुड़ मम्मी लेके आए थे, ऑर्डर किया था, तो ऐसे स्टार शेप में है, हार्ट शेप है, और वो गुड़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो अभी जस्ट मैंने पैकिंग शुरू की थी इसकी।